यहाँ से सुजो पहचान गया है। जी नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हो जागरण। अभी हम बेनीपट्टी और हरलाखी जो मुख्य मार्ग है उस मुख्य मार्ग पे हम पहुँचे हुए हैं। जो बेनीपट्टी जो ब्लॉक है उससे महज 1 किलोमीटर दूरी पे यह भट्टीसर का पुला है। भट्टीसर और मोहम्मदपुर गांव के बीच एक पुला है, उस पुला के पास हम पहुँच गए हैं। उस पुला के पास आप देखिए जो पुला का जो है स्थिति किस प्रकार से है। माननीय नितिन गडकरी जी, आपका जो भ्रष्ट जो इंजीनियर है उनका जो है रवैया देखिए किस प्रकार से। पुला जो है 1.5 साल पहले जो है यह बना हुआ था और 1.5 साल पहले बना था, उसके एक महीने बाद यह पुला का जो है स्थिति इस प्रकार हो गया था, जिसमें बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी ने आवाज़ उठाए थे। और आज देख रहे हैं जो अभी यह पुला का जो है स्थिति क्या हो गया है, किस प्रकार का स्थिति हो गया है। यहाँ लगभग बेनीपट्टी और हरलाखी जिला प्रशासन मानिए जो है लगभग दिन भर में नहीं हो तो मान लिया जाए तो भर दिन में 50 गाड़ी इधर से गुजरती है। और देखिए यहाँ पे जो है किसी का नज़र नहीं है। जब बाइक जाता है तो इनका जो है ये पुला का जो है ये रोड देखिए, यह जो है यह लोहा हिल रहा है, इसका देखिए किस प्रकार से ये जो है ढलाई हुआ था, यह टूट गया। देखिए यही है बिहार का विकास, यही है कागज़ पर विकास होता है बिहार में। केवल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप लोग कहाँ सोए हैं, आपका मंत्री कहाँ सोया है। यह देखिए किस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ गया है। देखिए किस प्रकार से भट्टी शेर का पुला है, यह पुला का स्थिति देखिए। जब स्पीड में कोई गाड़ी अगर गुजरती है इस रास्ते से तो उनको जो है कभी भी यह जो है घटना को अंजाम दे सकता है। देखिए क्या सर, यह जो पुला है जो टूटा हुआ है, यह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? रंजीत मेहता। कहाँ घर है आपका? बेंगरा। आप तो इधर इस रोड से जो आते जाते हैं तो क्या यह बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। अच्छा कितने दिन पहले यह पुला बना था? 2 साल हुआ। 2 साल हुआ है जी। 2 साल में लगता है कि 2 बार यह जो कितना बार यहाँ पे घटना घट गया। अच्छा अच्छा बार बार जैसे मोटरसाइकिल से आता नया आदमी जी, पता नहीं चलता है, मारता है, पीटता है। देखिए यह जो है बिहार में केवल विकास कागज पर ही होता है, यही ना। अच्छा तो क्या कहना चाहते हमारे माध्यम से, यह जो बिहार सरकार है और यहाँ का जो यही है उसको क्या कहना चाहते हैं? जाना घर हुआ, आप लोग तो इस रूट से यातायात करते हैं। अच्छा यह बिहार सरकार का जो भ्रष्ट इंजीनियर है और जो नितिन गडकरी माननीय नितिन गडकरी केंद्र सरकार का जो भ्रष्ट इंजीनियर सबका देन देखिए, जो आज 2 साल में लगभग 2 बार यह जो है भर चुका है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? ये बनना चाहिए। आपको तो मालूम है ना सर, सब कुछ में घुसखोरी होता है तो इंजीनियर क्या करेगा, इंजीनियर भी लेता है और क्या बोलता है ठेकेदार क्या करेगा, तो बांटते बांटते थक जाते भी माल मारता है। अच्छा ये बताइए घटना या जो है कभी भी घटना या घट सकती है, तो घटना घटने से पहले बनना चाहिए या उसके बाद? घटना घटने के बाद होने से क्या फायदा है? अच्छा पहले घटने के पहले होना चाहिए। यहाँ से ब्लॉक बेनीपट्टी ब्लॉक की दूरी क्या है? 1.5 किलोमीटर लगभग। यह बेनीपट्टी ब्लॉक की दूरी 1.5 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से बिहार और बिहार प्रशासन मधुबनी प्रशासन जो लगभग 50 गाड़ी जो है दिन रात इस रूट से जो है गुजरती है, लेकिन देखिए कैसा स्थिति हो गया है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? प्रेमचंद। कहाँ घर है आपका? भट्टी से। यह आपके गांव में यह जो पुला का जो यह हाल है, यह क्या ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हम लोग रोके थे लेकिन वो बोला कि एसडीओ लेता है कमीशन, तो इंजीनियर लेता है कमीशन, इसके चलते हमको जैसा मतलब जितना पैसा बचा उसके मुताबिक बनाएंगे। बना करने के बाद भी ऐसा वो जो है ठेकेदार था कुपरी साइड का, अच्छा सिंह जी करके था, तो वही ऐसे बनाया। देखिए महोदय बिहार सरकार नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, देखिए सीधा सा आरोप है यहाँ की जनता को कि एसडीओ साहब जो ठेकेदार है उनको जो यहाँ का जो स्थानीय ग्रामीण लोग ने घेरा, तो उनका सीधा कहना था कि एसडीओ साहब हमसे घूस लेते हैं, एसडीओ साहब लेते हैं, इंजीनियर साहब लेते हैं, प्रत्येक विभाग को हम लोग देते हैं, देते देते थक जाते हैं, इसलिए जितना हमारे पास बचेगा उतना ही में हम काम करेंगे, यही था ना? हाँ यही था, हम लोग डिस्टर्ब किए थे बहुत ज़्यादा नीचे में, पुलिया बन रहा था तभी उपाय करा रहा था, तभी मना किए थे। अच्छा भाई जो टेंडर है उसके हिसाब से बनाइए, लेकिन वो बोले कि हमको कमीशन बांटना पड़ता है तो हम कहाँ से लाएंगे, हम इसी में कटौती करके बनाएंगे। अच्छा ये बताइए या जो स्पीड में जो जैसे ही बाइक आएगा या कोई चार चक्का होता है ना, एक्सीडेंट होता है? पहले 2 एक्सीडेंट हुआ है, अच्छा। एक तो स्पोर्ट में रुक गया था,
तो हमारे माध्यम से जो बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है और या जो भी यहाँ की प्रशासन है, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश सरकार के रीजन में ये बना है और नीतीश सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है। अगर मान लीजिए अगर यदि प्रशासन टाइट हो जाए तो ये दशा थोड़े रहेगा पुल का, एकदम एक कंडीशन में बनेगा। जितना का टेंडर था उतना का तो मतलब खर्चा भी नहीं किया ना वो प्रशासन को। देखिए यहाँ पे आके चेकिंग अभियान चलाएगा, यानी पट्टी थाना हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाएगा, लेकिन उनका नज़र इस पे कहीं नहीं है कि जा करके अपने यहाँ से सुझक फेंका गया है। देखिए हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि दिखाए यह जो दृश्य है यह दिखाएं। आप देख रहे हैं बिहार का भ्रष्टाचार केवल कागज पर विकास होता है। माननीय नितिन गडकरी जी, आपसे गुजारिश है कि आप अपने अधिकारी को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेने को कहिए, नहीं तो बहुत बड़ा दुर्घटना यहाँ पे घट सकती है। आप इतना ही के लिए धन्यवाद। और मेरे खबरों के बाद हमसे बने रहिए। आप देख रहे हैं जागरण।